दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है और वो FRP लॉक हो चुका है, तो आप इसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं विदाउट कंप्यूटर और विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के? तो मेरे पास ये सैमसंग की डिवाइस है A10s, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन है तो आप उसको इस मेथड से बाईपास कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो 100% बाईपास हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये चेक लगा देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप वाईफाई कनेक्ट कर ले, इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो FRP लॉक है, इस लॉक को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? जब आप फ़ोन को रीसेट करते हैं तो ये लॉक जो है वो मांगता है, हार्ड रीसेट का लॉक है, और इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं खुद से? तो यहाँ पर फ्रेंड्स Gmail ID मांग रहा है, जो Gmail ID साइन इन से पहले लगी थी वो Gmail ID इसमें साइन इन होगी तो तभी फ़ोन जो है ये FRP अनलॉक होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें नहीं मालूम, तो हम किस तरीके से इसको बाईपास कर सकते हैं? तो बहुत इजी मेथड है। तो यहाँ पे इसमें *#0# वाला जो ऑप्शन है वो भी काम नहीं कर रहा है। ये देखें *#0*#, ये ऑप्शन भी इसमें काम नहीं कर रहा। तो हमने क्या करना है कि इसके पहले टॉक बैक ऑन करना है। तो स्क्रीन को इस तरीके से दो उंगलियों से दबा के रखना है 10 सेकेंड तक। एक तरीका ये है, टॉक बैक ऑन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से वॉल्यूम अप और पावर के बटन को दबाएं और यूज़ पे क्लिक करें और दोबारा से इन दोनों बटनों को दबाएं, तो ये देखें टॉक बैक जो है वो ऑन हो गया। अब यहाँ पे उल्टा एल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे गूगल असिस्टेंट बोलेंगे। गूगल असिस्टेंट, ओपन YouTube, इस तरीके से ओपन YouTube बोलेंगे तो डायरेक्ट YouTube ओपन हो जाएगा, लेकिन अक्सर यहाँ पे YouTube अपडेट भी आ जाता है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो हमारे पास YouTube अपडेट नहीं है। अगर आपके पास YouTube अपडेट आ रहा है तो आप फ़ोन को हार्ड रीसेट करें और दोबारा ये मेथड ट्राई करें तो हार्ड YouTube अपडेट ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों ऊपर से दोबारा से वॉल्यूम अप और पावर के बटनों को एक साथ दबाएँगे, ये टॉक बैक जो है वो ऑफ हो गया है। अब यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और नो थैंक्स कर देंगे। अब आपने यहाँ पे लिखना है www.frproms.com, ठीक है, आपने ये वेबसाइट लिख देनी है। तो आपके पास जो है ये कुछ ऐप्स वगैरह हो जाएंगे जिससे हम फ़ोन में आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। तो ये वेबसाइट ओपन होने के बाद ये FRP बाईपास 2024 वाला पेज आपने ओपन कर देना है, ये पहला वाला। ओपन करने के बाद कुछ एड्स वगैरह यहाँ पे आएंगे, तो उन एड को आपने क्लोज़ कर देना और ब्लॉक कर देना है। जैसे इस एड को हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से इसको ब्लॉक कर देते हैं, तो फ्रेंड्स अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है क्योंकि फ़ोन कंप्लीट FRP लॉक हो चुका है। तो हम इसको जो है ना, सबसे पहले हम फ़ोन सेटिंग में जाएंगे। फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको मैं चेक करा सकूँ कि इसके ऐप्स वगैरह कुछ भी ओपन नहीं हो रहे, ये देखें। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे अकाउंट्स एंड बैकअप में जाना है और यहाँ पे ये जो ब्रिंगिंग डेटा है फ्रॉम डिवाइस, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये जो व्यू एप्स डिटेल फॉर स्विच, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि कंटिन्यू कर देना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप डायरेक्ट गैलेक्सी स्टोर में जा सकते हैं, ये शॉर्टकट है गैलेक्सी स्टोर में जाने का। यहाँ से गैलेक्सी स्टोर को अपडेट नहीं करना पड़ता, वरना वहाँ से आपको गैलेक्सी स्टोर को अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट बता दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम गैलेक्सी स्टोर के अंदर अभी हैं, यहाँ पर लिखेंगे ऐप लॉन्चर। क्या लिखेंगे? ऐप लॉन्चर। ऐप लॉन्चर लिखने के बाद यहाँ पर ये जो ऐप लॉन्चर है इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं फ़ोन में। तो फ्रेंड्स ऐप लॉन्चर इंस्टॉल करने के लिए जो सैमसंग अकाउंट है ये मांगेगा, तो आपके पास एक सैमसंग अकाउंट होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं, 2 मिनट में बन जाता है। और ये सैमसंग की जो ID है वो आपने यहाँ पे लगानी होगी, तो मैं यहाँ पे अपना सैमसंग अकाउंट लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स सैमसंग का अकाउंट हमने लगा दिया है और इसको साइन इन कर लिया है हमने, और अब यहाँ पर ये ऐप लॉन्चर को हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इस पर चेक लगा देता हूँ और एग्री कर देता हूँ। तो ये देखें अकाउंट जो है वो साइन इन हो रहा है, ये देखें साइन इन हो गया और अब ये जो ऐप लॉन्चर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये गैलेक्सी स्टोर में हम हैं,
तो ऐप लॉन्चर जो है वो इंस्टॉलिंग हो रही है और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन करेंगे और ये देखिए फ़ोन के जो ऐप्स वगैरह हैं वो सारे अभी हमारे सामने आ गए हैं, तो इजीली हम सारे ऐप्स को अभी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये देखेंगे अभी भी फ़ोन FRP लॉक है और इसमें कोई भी जो फाइल है वो इंस्टॉल नहीं होगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगी। ये देखें FRP लॉक आएगा, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें बैकअप चाहिए होगा। तो बैकअप आपको क्या करना होगा कि ये फ़ोन ले लें आप, दूसरा वाला कोई भी सैमसंग का फ़ोन ले लें और उसमें आपने जो है ना वो ये वाली ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर को जो है वो हम ओपन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने लिखना है टू अकाउंट्स लिखेंगे और ये वाली जो ऐप है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है ये दूसरे फ़ोन में। तो ये देखें ये वाली जो ऐप है वो आपने इंस्टॉल करनी है, ये इंस्टॉल हो रही है। तो ये ऐप जो है वो हमारे फ़ोन में जो है वो इंस्टॉल हो गई है तकरीबन, ये देखिए इंस्टॉल हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसका बैकअप क्रिएट करना है। तो हमने जो सैमसंग अकाउंट है ये देखें ये वाला अकाउंट जो सैमसंग का है वो अकाउंट इस फ़ोन में ऑलरेडी लगा दिया है। आपने यहाँ पे सैमसंग का अकाउंट लगा देना जो इस फ़ोन के अंदर अकाउंट होगा और यहाँ पर ये सैमसंग का जो क्लाउड है इसको भी अपडेट कर देना है, मेरे पास ऑलरेडी अपडेट है। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो बैकअप को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये देखें बैकअप डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें खाली ऐप्स का बैकअप चाहिए, तो बाकी सब को जो है ना वो हम ऑफ़ कर देते हैं, खाली ऐप्स को ओपन कर देते हैं और यहाँ से डन कर देते हैं। अब फ़ोन में जितने भी ऐप्स होंगे उन सब का बैकअप बन जाएगा। तो ये देखें डन कर देते हैं और अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पर रीस्टोर डेटा पर आएँगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि इस बैकअप को चेक करेंगे कि ये बैकअप जो है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए टू अकाउंट्स का जो बैकअप है वो आ चुका है। अब इस फ़ोन को हम कर देंगे साइड पे और यहाँ से हम इस बैकअप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे एसेसिबिलिटी में आना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको ओपन करना है, यूनिवर्सल स्विच स्किप करेंगे इसको और यहाँ पर यूनिवर्सल स्विच शॉर्टकट को ऑन करेंगे और यहाँ से इसको टैप कर देंगे एसेसिबिलिटी बटन, ये देखें बटन आ गया है। अब इस बटन की मदद से हम इस बैकअप को इंस्टॉल करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर आएंगे अकाउंट्स एंड बैकअप में और यहाँ पे रीस्टोर डेटा और इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो ये देखें ऑप्शन अभी हमारे सामने आ जाएगा। तो अगर आपके पास समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा आ रहा है तो दोबारा से फ़ोन को रीस्टार्ट करें और फिर मेथड ट्राई करें तो ये हो जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये देखें कैंसिल पे क्लिक करेंगे और अपडेट पे आपने क्लिक नहीं करना। तो ये देखें ये जो बैकअप है इसको हम रिस्टोर करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। तो ये देखें ये बैकअप जो है वो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा है। तो ये देखें फ्रेंड्स 100% हो गया है और ये बैकअप जो है वो हमारा रिस्टोर हो गया है और ये डन हो गया। अभी चेक करने का तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से चेक करेंगे और ये देखें यहाँ पे ऐप्स बताएगा टू अकाउंट्स और ये देखें टू अकाउंट्स वाले ऐप्स में हम आ गए हैं। ये देखें टू अकाउंट्स की ऐप आ गई और अभी भी मैं आपको चेक करूँ कि ये फ़ोन FRP लॉक है। ये देखें फ़ोन अभी भी FRP लॉक है, यहाँ पर वही FRP लॉक आ रहा है ये देखें, और आगे Gmail अकाउंट का जो है वो ID मांग रहा है। तो इसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं ये देखें, हम Gmail ID यहाँ पे कोई भी साइन इन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अभी हम टू अकाउंट्स वाली जो ऐप है इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ से इसको एग्री कर देते हैं और अलाउ करेंगे और ये जो Gmail है इस पर क्लिक करेंगे, इसको कंप्लीट होने देंगे।
और ये देखें जीमेल आ गया है। दोबारा से इसी पे क्लिक कर देते हैं और गो एड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड जीमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें जो जीमेल आईडी है वो अभी हम इसमें साइन इन कर सकते हैं। तो ये देखें जो जीमेल आईडी है वो साइन इन करने का ऑप्शन आ गया है और नीचे क्रिएट का भी आ गया। तो मैं यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी जो है वो साइन इन कर देता हूँ। तो फ्रेंड जीमेल आईडी का पासवर्ड भी हमने लगा दिया और उसको यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखें नेक्स्ट करेंगे और ये देखें ये जीमेल आईडी आपके सामने जो है वो साइन इन हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि फ़ोन को जो है वो आपने रीस्टार्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं फ़ोन को जो है वो रीस्टार्ट कर देता हूँ। अकाउंट जो है वो हमारे फ़ोन में लग गया है। तो फ्रेंड अब क्या करना है कि आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस दोबारा चेक लगेंगे, नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद अभी हमको वाईफाई की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो वाईफाई का जो पासवर्ड है वो हम फॉरगेट कर देते हैं और यहाँ से स्किप कर देते हैं, ये देखें, और डोंट कॉपी भी क्लिक करेंगे। और अभी आप देखेंगे कि आपके सामने जो अकाउंट का है वो हमारा ऐड हो चुका होगा और ये देखें अकाउंट जो है वो ऐड हो गया है और अभी FRP लॉक यहाँ पे नहीं आ रहा है। जो पहले यहाँ पे FRP लॉक आ रहा था अभी स्किप करते जाएंगे और ये देखें जस्ट सेकंड यहाँ पे आएगा और अभी आपके सामने आपका ये जो फ़ोन है वो FRP अनलॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं। और अगर आपके पास सैमसंग अकाउंट नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूँगा कोई बैकअप का जो बना हुआ अकाउंट हो वो आपको मैं दे दूँ। ये देखें